हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन कोरमा। उसके लिए हमें चाहिए चिकन, बारीक कटा धनिया, बारीक कटा प्याज, काजू, और ये हमने गोले को घिस लिया है, और इलायची। इन तीनों का हमें पेस्ट बना लेना है। मलाई, थोड़ा सा दही, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, अदरक घिसी हुई, और ये लहसुन का पेस्ट, कस्तूरी मेथी, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और थोड़ी सी हींग, अमूल बटर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कढ़ाई में तेल लेना है। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। अच्छे से गरम हो जाने के बाद इसमें हमें बारीक कटा प्याज ऐड करना है। प्याज को अच्छे तरह से हमें तल लेना है, भून लेना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जब तक ही प्याज भुनना है तब तक हम मैरिनेट के लिए चिकन में ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं। में थोड़ा सा हम दही ऐड करते हैं। थोड़ी सी हम मलाई भी ऐड करते हैं। थोड़ी देर इसके लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब हम तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने गोला डाला, पिसा हुआ गोला, काजू, इलायची, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करिए। हमारा काजू, इलायची और गोले का पेस्ट तैयार है। इसी में हम प्याज को भी ग्राइंड कर लेंगे। प्याज का पेस्ट भी तैयार है। उसी तेल में जिसमें हमने प्याज को भूना था, इसी में हम अपना चिकन मैरिनेट जो हमने रखा हुआ है उसे फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, बारीक अदरक पिसी हुई, तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, तो अच्छे से फ्राई। इसमें हम ऐड करेंगे अब काजू और गोले और इलायची का पेस्ट हमने रेडी कर रखा है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, अब इसमें हम मिलाएंगे। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, अच्छे से चला। अब जो प्याज हमने पीस के रखा था, हाँ पापा,
इसमें ये प्याज सब ऐड कर देंगे अच्छे से। थोड़ी सी इसमें मलाई ऐड करेंगे। अब इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। हल्की आंच पे अब पकने दें। मलाई में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बस अब जब ये पक जाए तो इसको आप थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। रेडी है हमारा चिकन कोरमा। हम सर्व करते हैं।